नमस्कार दोस्तों, अपनी वीरता के लिए मशहूर रहे महाराजा सुहेलदेव के सुरहूरपुर स्थित किले को लेकर जंग छिड़ गई है। जी हां, आप सोचेंगे महाराजा तो को तो गए हुए कितने साल हो गए, उनके उनका वो किला जो इस वक्त एकदम खंडहर जैसी स्थिति में है, और ऐसे में उसको लेकर जंग क्यों छिड़ गई है, तो मैं आपको बताता हूं जंग छिड़ी क्यों है। दरअसल अवध गजेटियर जो है उसमें पेज नंबर 386 पर बाकायदा यह उल्लेखित है कि सुहेलदेव के इस किले की जमीन पर वर्तमान में करीब दर्जन भर मजारे हैं, इन्हीं को लेकर जो है वो बवाल छिड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय इसे पीर शाहनूर की मजार बताता है, तो जो सुहेलदेव के वंशज होने का दावा करने वाले राजभर मजार हटाकर यहां पर किले के पुनर्निर्माण की मांग करते रहते हैं। हाल ही में खुदाई के प्रयास के बाद जो है तनाव पैदा हो गया, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन सुहेलदेव की जयंती मनाई जाती है और उसी दिन कोई कार्यक्रम यहाँ पर करना चाहते थे उनके वंशज, और किले पर जाकर जेसीबी मशीन से थोड़ी खुदाई की गई, जमीन को समतल करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी जो है इसकी शिकायत कर दी गई। और जब शिकायत के बाद पूरा मामला जो है वो फिलहाल इस तरीके से ठंडे बस्ते में डाला गया है कि अभी वहां पर सभी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बाकायदा इस पूरे मामले की अब जांच होगी, पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा और फिर जाकर उस अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइल करेगा। अब जांच होगी किस बात की, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ। दरअसल ये जो पूरा किला है ये अयोध्या वाराणसी रोड पर मालीपुर क्षेत्र में सुरहूरपुर गांव के पास सड़क के दोनों ओर है और लगभग 12 बीघे में ये पूरा खंडहर फैला हुआ है। इसे 11वीं सदी में विदेशी आक्रांता महमूद गजनबी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी की बलि लेने वाले महाराजा सुहेलदेव का किला बताया जाता है। वही सुहेलदेव जिन्होंने विदेशी आक्रांता महमूद गजनबी के सेनापति को मार डाला था, और यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर उनके महल के भी अवशेष हैं। अवध गजेटियर में बकायदा इसका जिक्र भी है और उसमें यह बताया गया है पेज नंबर 386 में कि राजभरों के मुखिया के रूप में सोहन दल वहां पर थे। सोहन दल यही माने जाते हैं कि महाराजा सुहेलदेव के वो नाना थे, और अपने ननिहाल में पैदा हुए सुहेलदेव के शब्दभेदी बाण चलाने की कला भी उन्होंने यहीं सीखी थी, ये भी वहां पर प्रचलित है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जाती है, तो सुहेलदेव सेवा समिति के जो सदस्य हैं अशोक राजभर, उनके नेतृत्व में कुछ लोग जेसीबी से किले की जमीन को समतल करने का प्रयास कर रहे थे, तभी गाजी फाउंडेशन से जुड़े मुराद अली ने इसकी शिकायत एसडीएम और पुलिस से कर दी। प्रशासन ने फिर कार रुकवाते हुए मामले की जांच पुरातत्व विभाग को सौंप दी है और किसी के भी प्रवेश पर आने वाले वक्त तक पाबंदी लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।